ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार के दिन शिव और पार्वती की यह कहानी। माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं पार्वती की परीक्षा लेने को ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में जहाँ वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी न गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखते ही देखते मगरमच्छ लड़की को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा था। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हेग्रा इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे देंगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका
और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है, आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था, तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची। अनेक रूपों में देखने वाला मैं एक ही हूँ, मैं अनेक शरीरों में शरीर से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए या शिव पार्वती की भी कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत तीन प्रकार का होता है, प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है।